अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो आपसे अलग से पेनल्टी चार्ज लग सकता है या फिर कोई और जुर्माना लग सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे केवल 30 सेकंड के अंदर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर ये जो मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, आपको मैसेज को खोलना है और खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू मैसेज टाइप करना है। अब टाइप करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको जो नंबर टाइप करना है वो है 56161 और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है, तो मैसेज टाइप करने के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना है UIDPAN और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको पूरा 12 डिजिट का यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस करके अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले UIDPAN कैपिटल में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर और उसके बाद स्पेस करके यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड नंबर लिखने हैं। और इसके बाद आपको ये जो नंबर दिखे दे रहे जो कि है 56161 या फिर 576678 पर आपको इस मैसेज को भेज देना है। तो इस प्रकार से आपका जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाते हैं और आपको जो कंफर्म मैसेज है वो एक या दो दिन के अंदर आपको मिल जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।